बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी सामियत की टीचर क्लास वन की। चलो बेटा मेरे साथ सामियत की बुक ओपन करें। चलो बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 8 खोल लिया होगा और मेरे साथ आप सरगर्मी हल करते हैं। चलो बेटा पहली अब देखें, नीचे दी गई नुकात को मिलाएँ और देखें देखिए कि अल्लाह का कौन सा नाम बनता है। यहाँ पर अल्लाह ताला कुछ नाम दिए गए हैं बेटा, हम लोग पेंसिल को ट्रेस करेंगे और पढ़ेंगे, फिर आप हमें बताओगे आप लोगों ने ट्रेस किया है तो कौन सा नाम बनता है। चलो बेटा मेरे साथ अपने पेंसिल से साथ साथ ट्रेस करें। बेटा सफाई से पेंसिल को प्यारा प्यारा लिखेंगे हम तो हमारा बहुत अच्छा ट्रेस होगा। बेटा ये क्या बना, क्या बना? अल रहमान नू। बेटा ये क्या बना है? अल रहमानू। चलो बेटा आप सेकंड पर आ जाए, सेकंड में आप लोग ट्रेस करती हूँ। चलो बेटा आप सेकंड वर्ड पे आ जाए, हम इसे ट्रेस करते हैं। सफाई से ट्रेस कीजिएगा। बेटा क्या बना ये? अल रहीमू। बेटा मैंने आपको ये अर्रहीमु भी ट्रेस करके बता दिया है। बेटा पहले क्या बना था वर्ड हमारा? अर्रहमानु। अब ये क्या है? अर्रहीमु। ये वर्ड जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी को ही हम ट्रेस कर रहे हैं अब, कि आप लोगों को लिखने में भी याद हो जाए। चलिए बेटा आप थर्ड पे आ जाए, अब ये क्या बनेगा? अलिफ लाम मीम लाम काफ। बेटा अब ये क्या बना? अल मालिकु। बेटा ये क्या बना है? अल मालिकु। अब बेटा फोर्थ वर्ड पे आ जाएं, अलिफ लाम काफ दाल अल कुद्दूसु। बेटा ये क्या बना? अल कुद्दूसु। चलो बेटा अब लास्ट वर्ड ट्रेस करते हैं, अलिफ लाम मीम अस्सलामु। क्या बना बेटा ये? अस्सलामु। अरे बेटा फिर से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक दफ़ा, क्या बन रहे हैं वर्ड? अर्रहमानु अर्रहीम अल्मालिकु अल्कुद्दूस अस्सलाम। चलो बेटा अभी हमने ट्रेस कर लिए हैं, अब नीचे आ जाए। और यहाँ पर कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं, दो सवाल जवाब दिए गए हैं जो आप लोग अपने प्लानर में से याद करेंगे। अब मैं आपको प्लानर दिखा रही हूँ, उसमें सवाल जवाब जो हल कर रहे हैं। चलो बेटा मैं बुक क्लोज करूँगी अभी दो मिनट के लिए। बेटा ये देखें, ये आप लोगों का प्लानर है। अब चलो बेटा ये आप लोगों का फर्स्ट का प्लानर है, इसे ओपन करें अब मेरे साथ। बेटा सबक नंबर 3, अल्लाह ताला के नाम, रीडिंग प्लस इमला। जो रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, इमला के अल्फाज यहाँ दिए गए हैं आप लोग कुछ, वो आप घर पर याद करेंगे। अब नीचे आ जाएँ सवाल जवाब पर। चलो बेटा पहला सवाल देखें, सवाल अल्लाह ताला के कितने नाम हैं, जो आप लोग बुक में पढ़ चुके हैं। जवाब 99। देखें बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 99। सवाल नंबर 2, अरबी में अल्लाह ताला के नामों को क्या कहा जाता है। तो बेटा इसका जवाब देख लें, जवाब उस्माए हुस्ना, उस्माए हुस्ना। चलो बेटा 3 पर आ जाए, अल्लाह ताला के नामों को इनके दरअसल मायनों के साथ मिलाएं। बेटा अल्फाज माने दिए हुए गए हैं, ये बुक में आपको मैं करवा चुकी हूँ, यहाँ पर आप लोग खुद अपने घरों में करेंगे। चलो बेटा ये आप लोगों का सवाल है जो होमवर्क है, इसे आप याद भी करेंगे और इसे अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे। चलो बेटा आप बुक क्लोज करें और प्लानर क्लोज करें और मेरे साथ अपनी बुक फिर से ओपन करें। चलो बेटा आप सबक नंबर 4 पर आ जाएँ, हम 3 अपना कम्प्लीट कर चुके हैं, अब 4 हम पढ़ेंगे। अल्लाह सब का पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला ने हम सबको बेटा पैदा किया है, पूरी दुनिया को अल्लाह ने ही पैदा किया है। चलो बेटा हम इसकी रीडिंग करते हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। दुनिया
कि हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। तो बेटा फिर से पढ़ें, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। नीचे आए बेटा, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद और सितारे सब उसका सब का खालिक पैदा करने वाला अल्लाह है। चलो बेटा फिर से एक दफ़ा ये पढ़ लें मेरे साथ, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद और सितारे सबका खालिक पैदा करने वाला अल्लाह है। तो बेटा नीचे आ जाए सेकंड पैराग्राफ पे, अल्लाह ने रंग रंग के फूल और तितलियाँ बनाई। अल्लाह ने रंग रंग के फूल और तितलियाँ बनाई। पानी और खुश्की में रहने वाले छोटे बड़े सब जानवर अल्लाह ताला की मखलूक हैं। बेटा सब कुछ किसने बनाया है? आप इस लेसन में आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसने, अल्लाह ताला ने ही बनाया है और कोई शख्स नहीं है जो इन सबको पैदा करे। चल बेटा ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब इसके अंदर से आप लोगों को मैं चंद मुश्किल अल्फाज दे रही हूँ जो आप लोगों को याद करने हैं और अपनी होमवर्क कॉपी पे नोट भी करने हैं, लिखने भी हैं। चलो बेटा फर्स्ट वर्ड, हमें पैदा। बेटा क्या है वे? हमें पैदा। अब सेकंड वर्ड पर आ जाएं, सूरज। क्या है बेटा ये? सूरज। अब थर्ड पर आ जाएं, पैदा करने वाला। क्या है बेटा ये? पैदा करने वाला। चलो बेटा अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन पे, तितलियाँ। क्या है बेटा ये? तितलियाँ। क्या है बेटा ये? तितलियाँ। अब बेटा आ जाएं आगे, खुश्की। क्या है बेटा ये? खुश्की। क्या है बेटा ये? खुश्की। अब लास्ट पर टिक कर लें आप लोग मेरे साथ, मखलूक। क्या है बेटा ये? मखलूक। बेटा ये आप लोग इमला के अल्फाज हैं कुछ, और आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसे अच्छी तरह याद करने हैं। चलो बेटा मैं फिर से आप लोगों के साथ रीडिंग रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को रीडिंग अच्छी तरह याद हो जाए, कोई मसला ना हो रीडिंग याद करने में। चलो बेटा मेरे साथ फिर से पढ़ें, सबक नंबर 4, अल्लाह सब का पैदा करने वाला। चलो बेटा यहाँ देखें, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद और सितारे सबका खालिक पैदा करने वाला अल्लाह है। चलो बेटा नेक्स्ट पैरा पे आ जाएं, अल्लाह ने रंग रंग की फूल और तितलियाँ बनाई। पानी और खुश्की में रहने वाले छोटे बड़े सब जानवर अल्लाह ताला के की मखलूक हैं। बेटा आप लोगों ने लेसन कंप्लीट कादा पढ़ाया है आप लोगों को। चलो बेटा आप मेरे साथ अपनी डायरी ओपन करें। बेटा आप लोगों ने डायरी ओपन कर ली होगी। बेटा चले मेरे साथ अपनी डायरी नोट करें, इस्लामियात सबक नंबर 3 की मुश्क हल करें। जो सबक नंबर 3 मैं पढ़ चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हैं, उसकी मुश्क मैंने आप लोग हल करवाई है, वो आप लोग अपने घर में हल करेंगे खुद, और सबक नंबर 4 की रीडिंग याद करवाएं। और जो सबक नंबर 4 है, अल्लाह सब का पैदा करने वाला है, जो मैंने अभी आपको रीडिंग करवाई है, उसको आप लोग याद करेंगे, और इमला के अल्फाज, जो इमला के अल्फाज मैंने टिक करवाए हैं, वो अपनी कॉपी में करेंगे भी और याद भी करेंगे, होमवर्क में करेंगे, उसे याद भी करेंगे, और अपनी नेक्स्ट इस वीक के लास्ट में आकर हमें स्कूल में अपना होमवर्क चेक करवाएं। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे